मैं ये वीडियो इसलिए इतनी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर एक खिड़की पे बैठ बैठ के कॉल करे तो कॉल होता है, अगर थोड़ा सा खिड़की से अंदर आ जाओ फिर कॉल कट। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि मेरा फर्स्ट गांव में दिवाली एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो दगड़ियों, तो आज हम आए हैं बागेश्वर। बागेश्वर वैसे शॉपिंग तो नहीं करेंगे पर मैं तो ठूसने आई हूँ। मेन ठूसने वीडियो में देख लेना कितना ठूस है। ब्रेकफास्ट ही किया ढंग से, उसके बाद हमने सोचा था लंच करेंगे लेकिन उतने में मतलब गाड़ी मतलब ख़त्म ही होने लगी। मम्मी बोली जल्दी चलो ख़त्म हो जाएंगी, अगर चली गई तो फिर बुक करनी पड़ेगी। चलो चलो खाने खाने। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं पर बहुत सारी जगह लग रहा है। वहाँ पे ये वाला एरिया पूरा खाली रहता है नॉर्मली, और यहाँ साइडों में भी खुल के भी लगे हैं। तो हमको 1.5 घंटा हो गया यहाँ आए हुए लेकिन मम्मी इतना दिमाग खराब करते हैं ना, इसलिए हम अकेले चले गए। मतलब ना मम्मा कभी कॉल करेंगे, कभी दुकान पे बैठ जाएंगे, कभी कुछ, मतलब चलते ही नहीं मम्मा, तो हम बोर हो रहे थे। अभी हम वहाँ पे थे पर अब हम यहाँ पे चले। पहले ना मैं बहुत खुश थी कि यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्टॉल्स पटाखे के हैं। जूते यहाँ खोल लीजिए कृपया। पहले हाथ पैर धो लेते हैं यहाँ पे। अरे तो इतने तो चलते ही है। भेंट दो भेंट। ऐसे लगता है कि पत्थरों को मतलब खोद के बने हैं, ऐसा लग रहा है पूरा पहले पत्थर होगा, इतना बड़ा चट्टान होगा। मे भी हो सकता है तो भी आने। अच्छा शिवलिंग और एक्सपेंड कर रहे हैं मंदिर को अभी। बागनाथ मंदिर नदी पे चलता है। आना माता के जोता है। अच्छा ये लाइट दिवाली के लिए बैठे तो कम हो गई नदी। वो कोई जरूरत नहीं जाके दिखाने की। ठंडा पानी बहुत गीले हो जाता है फालतू में। चल यार बहुत भूख लगी है, खाने चलते हैं। लेट्स गो। मंगल की उच्च गलियों में बापरे मेरे को पता नहीं था इतनी भीड़ भी होती कभी। बापरे लोग धक्का दिए जा रहे हैं आगे पीछे, बोल रहे चलो चलो। एक आंटी ने तो धक्का ही मार दिया, ऐसा कर दिया। कैसे धक्केबाज आंटी है यहाँ। चिकन चाउमीन चिकन नहीं है, मटन चिकन नहीं है, और मसाला डोसा भी नहीं है। फिर अभी छोले भटूरे तो यहाँ की लाइट जा चुकी है। कंग्रेचुलेशन, इससे मेरा मन खुश है अभी के लिए। अभी यहाँ पे हम छोले भटूरे खाते हैं। आ चुका है हमारा चिकन बर्गर। चल इसको तोड़ के खोल के दिखाओ। नहीं क्या क्या इसमें? एक पैटी, इसमें चिकन पैटी होगी है, और ये मेयो आई गेस। ये मेयो है, आगे ऊपर बन है, बीच में चिकन पैटी है, और नीचे कुकुम्बर है, टमाटो है, थोड़ा सा कैबेज है बस। तुम्हारे पे क्या है? बस यही है, पत्ता गोभी और आलू की पैटी। मेरा बड़ा हमारी ब्लॉगर बहुत खुश हो चुकी है, मतलब मैं भाग सकती हूँ। पहले पैंट बच चुकी है मुंह की, पिछली बार से ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है मोनू पवार।
अगर आपको बागेश्वर में टॉयलेट यूज़ करना है तो यहाँ पे आ जाइए, 10 रुपये पर यूज है। और अगर यहाँ पे ताला लगाओ ना तो डरना मत, वो सामने शॉप है वहाँ पे से अंकल ये खोल देंगे, फिर आप यूज़ कर सकते हो टॉयलेट। ये लास्ट गाड़ी खड़ी है हमारे गांव के लिए, मम्मी वहाँ पे वेट कर रही है। अच्छी यार, मज़ा नहीं आया आज के लिए। तो जो ये व्हीकल्स होते हैं यहाँ पे, उनका टाइमिंग और रूट फिक्स रहता है, गाड़ियाँ लिमिटेड है और सब कुछ ही लिमिटेड है, तो मतलब सब प्लान आउट करके तुम्हें करना पड़ेगा काम। हैप्पी दिवाली। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गंदी हालत में क्यों, ये इसलिए क्योंकि हमने अभी के अभी पेंट ख़त्म किया है यहाँ पे पेंट करना, और सामान भी बिखरा हुआ है। अभी बज रहे दिन के 12 और हम 1 घंटे में सब समेट के नहा धो के मिलते हैं आपसे, बाय। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, अभी तक मुझे कुछ खास लगा नहीं है, मतलब कोई गोबर फेंकने जा रहा है, कोई काम कर रहा है, बस काम काम काम, मतलब लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। और अभी तक तो कुछ मज़ा आ नहीं रहा, देखते हैं बाद में कैसा रहता है शाम का। और मतलब अम्मा बोल रहे थे कि 5 दिन की दिवाली रहती है, तो पता नहीं अब कैसी दिवाली रहती है, मुझे कोई खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं दिवाली से। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि हाँ दिवाली 5 दिन की होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा वाला एक्साइटेड थी कि ओ यस, अब तो 5 दिन की दिवाली है, देखते हैं क्या क्या होगा, कुछ तो फन होगा और बाहर से कुछ अलग होगा, मतलब मैंने कुछ और ही सोच लिया था माइंड में। तो इस बार हम रंगोली नहीं बना रहे यहाँ पे, और वैसे भी कोई नहीं बना रहा, कलर्स भी नहीं मिले, तो हम एक ही चिपकाने वाला रंगोली लेके आए हैं कि ये मतलब चिपक जाए यहाँ, तो देखते हैं कि ये निकलता है कि नहीं, बीच में चिपका देते हैं बस, ऐसे नहीं निकालते, निकाल दे। ओके, अब इसको बस चिपकाना है, अगली दिवाली तक क्या पता। तो अभी बज गए 6 शाम के और कुछ खास हुआ नहीं है, पीछे लाइट्स जला दी है, अभी ये लड़ी लगानी है मुझे यहाँ दरवाजे पे बस, और क्या है। मेरा मूड फिर भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि अब हम कुछ तो कर रहे हैं, मतलब हमने दिए जला दिए हैं, दिए अभी भी हम जला रहे हैं, धीरे धीरे छत में लेके जाएंगे। अभी ये लेके आ गया राहुल भाई, यहाँ पे रख दे, एक एक आगे रख, एक आगे पे, इतनी दर्द ना आई क्या दर्द है, मंदिर के ऊपर रख एक, चल चलते हैं। Oh my God, पटाखे फोड़ने लग गए हैं लोग, बूम 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 बूम, अंदर भी जलाओ, इनके कोने में भी जलाओ, हर एक कोने में। इसमें क्या है, मिठाई है क्या? नहीं, क्या है फिर इसमें, दिखाइयो दिखाइयो, पटाखे भागे भागे भागे, पकड़ो 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 पकड़ो। यहाँ पे कोई आरती साथ में नहीं करता, लाइक जैसे हम करते हैं हर बार, जैसे लोग भी करते हैं, शाम हो जाती है तब, शाम होने वाली होती है तब आरती करते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, उसके बाद पटाखे जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साथ में आरती नहीं हुई है। लोगों को शर्म आती है हैप्पी दिवाली बोलने में, लगा हैप्पी दिवाली बोलेंगे ना तो मतलब ऐसा सोचेंगे हैप्पी दिवाली, थोड़ा शर्मा के हमने जैसे किसी आंटी को विश किया ऐसे बोलेंगे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कैसे गाया भू, ये गड़िंग 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 गड़िंग, ये पकौड़े। सिर्फ गांव में, जहाँ तक मैंने अभी तक 4-5 महीने हो गए मुझे गांव में, मैंने ये नोटिस किया है कि त्यौहार में एक चीज़ होती है कॉमन हर त्यौहार में, कि रात को पूरियाँ, हलवा, खीर, कोई सब्जी ज़रूर बनते हैं, मतलब पूरी हलवा तो मेन मस्ट है, मस्ट, मतलब यही है बस। हैप्पी दिवाली, पढ़ भी सकता है।
नहीं फटेगा। मत करो, मत करो पंगे, मत लो। दो मिनट का, दो सेकंड का डांस अच्छा था तुम्हारा। आज गोवर्धन पूजा और थोड़े से कैंडल जलाए, दिए नहीं जलाए। एक मिनट रुक जा, जलेगा जलेगा, वेट करते हैं। आहा, ये क्या हो रहा है? दिया का हाथ हो रहा। दिया के हाथ से नहीं जल रहा है। लो फिर आप दिया का हाथ लग रहा है। इसकी बत्ती खराब हो गई ना, मुंह पीछे को उठाओ। ग्रीन ग्रीन सा जल रहा है ये। दूर रहो दूर। आग जला देगी, आग जला देगी। जला जला जला, जला। एक का जलेगा, सब जलाना। ये लो मेरे से जला सारे। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और जो मतलब जेंट्स होते हैं, बुढ़े होते हैं, ये सब उनको तो बस अल्कोहल ही चाहिए यहाँ। मतलब दारू मिल गई ना, आ हा हा, मज़े ही है सही में। मतलब उनको दारू दारू दारू, कोई होते हैं ऐसे भी यहाँ पे, बहुत सारे होते हैं, कोई क्या। और स्वीट्स बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होती। ये पटाखे जो हमने जलाए कल गोवर्धन पूजा वाले दिन 5 नवंबर को, जज मत करना कि मतलब ये बता रही है कि इसकी दिवाली ऐसी रही वैसी रही। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरी दिवाली ऐसी रही। ये मत सोचना कि यार कितनी नेगेटिव है, कितनी नेगेटिविटी फैला रही, कितनी नेगेटिव बात करी, ऐसा कुछ नहीं है।